नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत की न्यायिक व्यवस्था पर। न्याय से तात्पर्य है नैतिकता, औचित्य, विधि, जिसमें भी राज्य की विधि और प्राकृतिक विधि, धर्म या समता के आधार पर स्थिति को ठीक होने से। प्राचीन समय में देखा जाए तो यूनान में डेकी को न्याय की देवी माना जाता था, जिसको आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें एक महिला के आंखों पर पट्टी लगी थी, हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार। वैदिक संस्कृति में देखें तो घोष को न्याय का देवता माना जाता था। वर्तमान समय में भी इसी यूनानी देवी के आधार पर न्यायिक व्यवस्था में चिन्ह को अपनाया गया है। उसमें भी महिला के जो आंख है उस पर पट्टी लगी है, जो दर्शाती है उसकी निष्पक्षता को। एक हाथ में तलवार है, जो दर्शाती है उसके बाहुबल को, और दूसरे हाथ में है तराजू, जो दर्शाती है पक्ष विपक्ष की स्थिति को बराबर करने को। दिल्ली सल्तनत में भी न्यायिक व्यवस्था विद्यमान थी, और यहाँ सबसे ऊंचा जो न्यायालय होता था वो सुल्तान का होता था। सुल्तान के बाद काजी उल कुजात का न्यायालय था, काजी उल कुजात के बाद प्रांतीय न्यायालय था। प्रांतीय न्यायालयों के नीचे अख्तर न्यायालय कार्य करते थे, उनके नीचे प्रकरण न्यायालय थे, और सबसे नीचे पंचायतें न्याय करती थीं। वर्तमान समय में इस स्थिति को काज इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे निचले स्तर पर वर्तमान समय में भी पंचायतें हैं, आप गांव में जाइए या छोटे मोटे कस्बों में जाइए तो वहाँ भी पंचायतें न्याय करती हैं। पंचायतों के ऊपर परगनों पर या तहसील पर न्यायालय होते हैं। आप वर्तमान समय में देख लीजिए, जो SDM का कोर्ट है वो इसी प्रकार का एक उदाहरण है। तहसील के ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सीजन कोर्ट की व्यवस्था की गई है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हायर जुडिशरी है, जिसको हाई कोर्ट हम बोलते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद हम राष्ट्रपति को भी एक न्यायिक पद के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान ही न्याय का सर्वोच्च बिंदु होता था, और यहाँ के सभी सुल्तान न्याय करना अपना पुनित कर्तव्य समझते थे। इनकी न्यायिक प्रणाली शरीयत पर आधारित थी, जिनमें हम देखें कुरान, शरीयत, हिजमा, कयास शामिल थे। कुछ सुल्तानों का आप देख लीजिए जो अपनी न्यायिक प्रथा के लिए काफ़ी जाने गए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता, कुशलता और दानशीलता के कारण लाखबख्श भी कहा गया है। इल्तुतमिश और बलबन की न्याय प्रणाली काफ़ी कठोर थी। बलबन ने अपने एक अमीर को कोड़ों से मरवा दिया था, क्योंकि उसने अपने नौकर के साथ दुर्व्यवहार किया था। ग्यासुद्दीन तुगलक की भी न्यायिक प्रणाली काफ़ी कठोर थी। इसके विषय में जो तत्कालीन इतिहासकार है बर्नी लिखता है कि इसके शासनकाल में भेड़िया मेमने की तरफ सर उठाकर नहीं देख सकता था। लोधी वंश में देखा जाए तो सबसे कठोर न्यायिक प्रणाली सिकंदर लोधी की थी। सुल्तान के बाद काजी उल कुजात का न्यायालय होता था। हालांकि 1238 में सदरु सुदूर का पद भी सृजित किया था, जो भी अपने आप में एक न्यायिक पद ही था, और दोनों पद मुख्यतः एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। सबसे निचले स्तर पर पंचायतें न्याय करती थी। यहाँ चौधरी, खुत और मुकद्दम न्याय करते थे, और स्थानीय स्तर पर इन्हें लोग माई बाप कहते थे। हालांकि हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने चौधरी, खुत, मुकद्दम पदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। दिल्ली सल्तनत में हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक पृथक कानून की व्यवस्था थी। जहां मुसलमानों का न्याय होता था शरीयत के आधार पर, वहीं हिंदुओं को न्याय मिलता था उनके धार्मिक कानूनों के आधार पर, जिनमें मनुस्मृति प्रमुख थी। दंड विधान काफ़ी कठोर थे, परंतु इन दंड विधानों में फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुछ ढील दी गई थी, और इसने अपने शासनकाल में अंग भंग पर रोक लगा दी थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किसने अपने शासनकाल में अंग भंग पर रोक लगाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक। मुझे आशा है कि दिल्ली सल्तनत की न्यायिक प्रणाली के विषय में आपके सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उससे पूर्व आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किसकी न्यायिक व्यवस्था बहुत कठोर थी? नंबर फर्स्ट देख लीजिए आप गयासुद्दीन तुगलक, नंबर सेकंड देख लीजिए आप खिजर खां, नंबर थर्ड कुतुबुद्दीन ऐबक, या नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।